अलग बात है, परंतु माँ से ज्यादा किसी से प्रेम करना इस संसार में अविवेक ही होगा। भाई भगवान को मिलाने वाली भी माँ है, माँ ने गर्भ में मार दिया होता तो कैसे मिलते, ये कथा कैसे सुनते। परंतु इस धरती पे लाने वाली माँ है, और फिर हम अपने पुरुषार्थ से अगर कथा में आ गए, सुन लिए और फिर अपना कल्याण कर लिया, तो इसका श्रेय तो माँ को ही जाता है। माँ इस धरती पे हमें न लाई होती तो हम कैसे इस धरती पे आके कथा सुनने में बैठ पाते, यहाँ कैसे जगदम्बा का ये चरित्र या परमात्मा के सानिध्य में बैठ के ये चरित्र सुन पाते। जननी से बड़ा और कोई नहीं है। जब भगवान का नाम लिया जाता ना है तो सबसे पहले जननी का नाम लिया जाता है। हमारे भगवान सदाशिव का लो तो भी उमा महेश्वर, भगवान नारायण का लो तो लक्ष्मी नारायण, कोई भी नाम लो आप, राधा कृष्ण सीताराम, पहले नाम किसका आ रहा है, मां का नाम आता है। तो ऐसी मां की कथा हम सुन रहे हैं। पिता कौन है, भगवान। मां कौन है, शक्ति। शिव और शक्ति ये दोनों जगत के माता पिता है, परंतु जैसे राम जी कहते हैं यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मैंने रोचते, क्यों, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी बढ़कर क्या होता है, मां और मातृभूमि। ऐसी मां और मातृभूमि किसको प्रिय नहीं होती है। कोई बाहर से आए हैं या आप अपने कोई कर्म करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, नौकरी करने के लिए बाहर जा सकते हैं, परंतु जन्मभूमि की याद किसको नहीं आती है। सब जन्मभूमि में जाना चाहते हैं और जन्मभूमि सबको प्रिय होती है। जिनको प्रिय ना हो जन्मभूमि वो हाथ खड़ा करे, जिन्हें जन्मभूमि अच्छी ना लगती हो। जहां हमारा जन्म होता है वह जन्मभूमि है, जिस मां ने जन्म दिया वो जननी है। हमारी जननी हमें इतनी प्रिय है, भगवान राम कहते हैं कि मुझे कौशल्या अम्बा की याद आ रही है, अयोध्या की याद आ रही है, क्यों, क्योंकि जननी और जन्मभूमि मेरी कौशल्या अम्बा और अयोध्या है। अगर मैं वहां जाऊं तो ही मुझे चैन हो, मुझे ये सोने की लंका में अच्छा नहीं लग रहा है। तो संसार में सबसे बढ़कर क्या है, मां और मातृभूमि। परंतु जो जगत की जननी है, जगत की जननी या जगत के पिता, वो हमारे शिव और पार्वती है, शिव और शक्ति है। उन शिव शक्ति का ये चरित्र है। तो अभी हम शिव से भी बढ़कर शक्ति का चरित्र गान करने जा रहे हैं। शिव चरित्र तो आपने श्रवण किया ही, कई बार सुना होगा, परंतु शक्ति का चरित्र आप सुनिए। और शक्ति का चरित्र सुन करके शिव की भी प्रसन्नता होती है। आप चाहो कि मुझे तो शिव जी की ही भक्ति करनी है, तो भाई शिव जी का अगर प्रेम चाहिए तो शक्ति की कथा सुन लो। आप विचार करो, अगर आपके माता पिता के पास जाते हो और आप आपकी माँ की प्रशंसा करते हो तो पिता प्रसन्न होते कि नहीं होते, राजी होते। मां की प्रशंसा करने से, मां को प्रणाम करने से, मां की सेवा करने से पिता राजी होते। कई बार तो पिता अगर इस धरती से विदा होने वाले होते हैं तो अपने पुत्रों को कहते हैं कि इसका ख्याल रखना, मां के लिए कहते हैं। और माँ तो सदा ही उनके साथ रहना चाहती है। तो ऐसे
परम पवित्र परम पावन इस भूमि पर जहां अनेकों त्याग और बलिदान की भूमि है, जहां अनेकों माताओं ने वीरांगनाओं ने यहां बलिदान दिया है, वीरों ने बलिदान दिया है, ऐसी परम पावन भूमि पर ये शक्ति की जो उपासना करने वाले थे उन्हें शक्ति की ही कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब मिलकर के इस शक्ति की कथा में परम प्रेम से अवगाहन करेंगे। श्रीमद्भागवतम यस्तु पठे शृणुयादपि श्लोकार्धम श्लोकपादम वासयाति परमं गतिम्। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं इस श्रीमद् देवी मद भागवत पुराण को यदि आपने परम प्रेम पूर्वक सुना या पठन किया तो वह सर्व पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त हो जाता है। पूजितम यद ग्रहे नित्यम श्रीमद्भागवत पुस्तकम तद ग्रहम तीर्थभूतम ही वसताम पापनाशकम। और श्री व्यास जी महाराज तो लिखते हैं कि जिनके घर में ये श्रीमद् देवी भागवत विराजमान रहती है वह घर तीर्थ के समान हो जाता है, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। अब बताइए देवी मद भागवत कथा जिनकी आप श्रवण कर रहे हो, इन देवी भागवत को अगर अपने घर में भी आप रखते हो तो वह घर ही तीर्थ समान हो जाता है। कितना इसका महत्व व्यास जी महाराज ने फरमाया है। और आगे श्री व्यास जी महाराज कहते हैं यस्तु भागवतम दिव्या पठित भक्त्या शृणोति वा धर्मम अर्थ कामम च मोक्षम च लभते नरः। यदि इसको पूर्ण भाव से प्रेम से श्रद्धा से इस भागवत महापुराण को कोई सुनता है तो उन्हें इस जीवन के चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और मनुष्य के इस धरती पे आने के साथ ही ये चारों पुरुषार्थ उन्हें चाहिए। बताइए आपको धर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? परंतु धर्म के लिए अभी कम इच्छा है, अर्थ की ज्यादा इच्छा है, अर्थ ज्यादा चाहिए। अभी ये आयोजन हो रहा है इसमें क्या चाहिए? इसमें कुछ नहीं चाहिए, बिना अर्थ के हो जाएगा ये तो, है ना? ऐसा जो हमारा परम कल्याण करने वाला आयोजन है मनुष्य होकर के, और अगर हम इसमें सोच विचार करें कि मैं धन की आवश्यकता है कि नहीं, देवा कि नहीं देवा, सोचना ही नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि जीवन का परम लाभ प्राप्त होने जा रहा है। और हम विचार करते हैं कि इसमें अपना पैसा जाएगा तो क्या हमारा कल्याण होगा क्या? बिना इसके होता ही नहीं, ये ऐसे थोड़ा लगता है, इसमें सब पैसा लगता है। और सहयोग से ही सबके ये कार्य होने जा रहा है, तो ऐसे में विचार ही नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ चढ़ करके इसकी व्यवस्था करने में सबको सहयोग करना है, तन से मन से और धन से। अगर हम चाहते हैं तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। आप चाहो तो तन से सेवा करके शरीर की पवित्रता कर लो, शरीर को बहुत कुछ नहलाने से, बहुत कुछ इत्र आदि अवटन लगाने से नहीं इसकी शोभा है, ये पवित्र नहीं होता है, ये पवित्र होता है सेवा करने से। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान। अगर हम धन को दान देते हैं तो वो पवित्र होता है,
धन हमारे पास है तो उसको दान देने से ही उसकी पवित्रता है, उसका सदुपयोग है। मन पवित्र हरि भजन सु, अगर मन की पवित्रता चाहते हैं तो भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो। श्रीमद् देवी भागवत कथा का जो श्रवण है ये मन की पवित्रता करने वाला है। तो हमें तीनों की पवित्रता चाहिए, धन भी पवित्र हो, तन भी पवित्र हो और मन भी पवित्र हो। तन पवित्र सेवा की, प्रथम सेवा से पवित्र होना है, फिर दान से पवित्र होना है, फिर भजन से पवित्र होना है। भजन क्या है? भजन है मन भगवान में लग जाए, भगवान की कथा में लग जाए, मन उन देवी के चरणों में लग जाएगा तो भजन हो जाएगा। महाराज कबीर जी कहते हैं कि माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो चौदिसी फिरे, ऐसो सुमिरन नाए। अगर हमने माला भी हाथ में ली है और मन भगवान में नहीं लगा है, मन कथा में नहीं लगा है, मन देवी की चरणों में नहीं लगा है, तो फिर वह सुमिरन भी हमारा निरा पुरुषार्थ हो जाएगा। इसलिए अपमाला भले ही न लो पर मन उन देवी के चरणों में लगे, शक्ति के चरणों में लगे। ऐसी मन का भाव ही प्रदान है। आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इसका प्रधानता कम है, मन का भाव। इस मन को शिव और शक्ति के चरणों में लगाने के लिए ही ये कथा होती है, सत्संग होती है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, ये श्रणवंति सदा भक्त्या देव्या भागवती कथा, तेषां सिद्धिर्न दूरस्ता तस्मात् सेव्या सदा नृभिः। अगर ये भागवत कथा को जो लोग भाव से सुनते हैं तो कहते तेषां सिद्धिर्न दूरस्ता, उसके लिए सिद्धि दूर नहीं होती है, सफलता, सिद्धि माना सफलता। अगर हमें सफलता न मिले किसी काम में तो समझना चाहिए कि हमने कथा भाव से नहीं सुनी है, और अगर कथा भाव से सुनी तो आपका कोई काम हो उसमें सफलता मिलना निश्चित है। ये व्यास जी महाराज कह रहे हैं, तेषां सिद्धिर न दूरस्ता, उससे सिद्धि सफलता दूर नहीं रहती है। हम केवल दिखावे के लिए नहीं, केवल अपने प्रसन्नता के लिए नहीं, हमारा कल्याण हो जाए और हम उन प्रभु के शिव और शक्ति के चरणों में प्रेम करके इस मनुष्य जीवन का लाभ ले ले, मुक्त हो जाए, इसके लिए कथा है। आगे व्यास जी महाराज ने कहा, नित्यम ये सुनोया भक्त्या देवी भागवतम परम, जो भक्ति से नित्य इसको सुनता है, न तस्य दुर्लभम किंचित कदा किंचित अस्ति, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता इस संसार में। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये कथा है। इसमें कहा है, अपुत्रो लभते पुत्रान धनार्थि धनम आप्नुयात् विद्यार्थी विद्या प्राप्नुयात् विद्याम् कीर्तिर्मण्डिति भूषिणाम्, जिनको चाहिए कीर्ति उन्हें कीर्ति मिलेगी, जिन्हें विद्या चाहिए उन्हें विद्या मिलेगी, जिन्हें धन चाहिए वो धन मिलेगा और जिन्हें पुत्र चाहिए वो पुत्र मिलेगा। ये कथा का महात्म्य है, इस कथा की महत्वता है। ऐसी जो देवी मद भागवत कथा है ये तो आप सकाम भाव वाला हुआ, लेकिन निष्कामता पूर्वक यदि हमें कथा सुनी तो फिर तो कोई भी मनोकामना आपकी पूरी नहीं रहती, कमी नहीं रहती है, पूरी हो जाती है। कामना लेकर के आप जो कामना करेंगे वही पूरी होगी,
किसी को पुत्र चाहिए, 9 दिन आप नियम से इस कथा को सुनना। किसी को धन चाहिए, 9 दिन आप नियम से इस कथा को श्रवण करना, देवी के चरणों में प्रेम करके। किसी को सम्मान चाहिए, नियम से इस कथा को सुने 9 दिन, जो चाहिए मिलेगा। परंतु अगर कोई कुछ चाहता नहीं है, कोई किसी से कुछ चाहेगा नहीं, नहीं मुझे न पुत्र चाहिए न धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भी कोई भक्त हो सकते हैं। ऐसे कितने हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए और कथा सुनना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कितने हैं इनमें से? जिन्हें कुछ नहीं चाहिए और वो कथा श्रवण करेंगे तो देखिए वहां देवी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। एक बीच में ही मुझे याद आ गया जड़ भरत जी वाली बात। जड़ भरत जी जो है पहले के जन्म में सम्राट थे और दूसरे जन्म में अंगिरा गोत्र में उत्पन्न हुए और फिर पढ़ाया माता पिता ने, पढ़े नहीं, और फिर जो है पहले का ज्ञान तो था ही उनको, मौन रहे, माता पिता चले गए तो वो मुक्त हो गए। उनके और भाई थे भी माता के, उन्होंने उन्हें खेत के रखवाली के लिए भेजा और वहां जाके मौन बैठे थे तो उनकी सारी उम्र मौन में चली गई, बोले नहीं, क्योंकि उन्हें पहले पता था कि मैं सम्राट था पूरी धरती का। और एक हिरण के बच्चे में आसक्ति रह जाने से मैं हिरणी के गर्भ में जन्म ले लिया। नेपाल में गंडकी नदी है, वहां पुल है, आश्रम में वो साधना करते थे। काली हिरणी आई और शेर की दहाड़ से पानी में कूदी, बच्चा गिर गया, उस बच्चे को वो उठा लाए थे और उसमें आसक्ति रह गई थी। अंतिम समय में सम्राट होते ही भी हिरणी के गर्भ में चले गए, पर स्मरण रहा उनको भक्ति के प्रभाव से कि मैं तो सम्राट था, देखो एक बच्चे में आसक्ति रह गई तो हिरणी का बच्चा बना गया। अब दूध ही नहीं पिए, उसी नदी में जाकर के और वापस खड़े हो गए और उस शरीर को छोड़ दिया और अब बने ये फिर जड़ भरत जी। अब बोलते नहीं, मौन रहते कि बस किसी में आसक्ति ना हो जाए, इसलिए मौन रहते। तो जब माता पिता ने उन्हें कोशिश करके भी नहीं पढ़ा पाए, उनकी आयु पूरी हो गई, इनकी भी आयु काफी हो चुकी थी, बोलते नहीं थे। एक बार दूसरी और इनके माँ थी, उनके 4 पुत्र थे, उन्होंने देखा कि ये तो अपनी दूसरी माता का है और बोलता भी नहीं है, इसको अपने खेत के रखवाले पे रख दो। तो वहां बिठाया, हुआ क्या कि वहां एक डाकू जो था उसने मन्नत मांगी थी किसी आदमी को देवी के बलि चढ़ाने के लिए, शक्ति के बलि चढ़ाना है, उसके पुत्र हो जाए तो उसके पुत्र हो गया और उसे बलि चढ़ाना था। अब अपने तो पुत्र पा लिया पर किसी आदमी के बलि चढ़ाना चाहता है, किनके? देवी के। अब काली माता के वहां वो देवी को बलि चढ़ाना के लिए एक व्यक्ति को पकड़ लाए और वहां बंद कर दिया, कहा इसको अच्छे से नहलाओ, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाओ, खूब सेवा करो इसकी, अच्छा खिलाओ पिलाओ, बलि का बकरा होता ना ऐसे, खूब सेवा करो। अब उसकी सेवा करते करते एक दिन योग हुआ कि मैया को मंजूर न था, कहीं किसी तरह से वो निकल गया और भाग गया वहां से। अब जो डाकुओं का सरदार था उसके भय से अन्य डाकुओं ने देखा कि अरे वो आदमी भाग गया है, अब डाकू अपने सरदार आएंगे तो हमको मारेंगे, और ये विचार डर के मारे उसको ढूंढने गए और कोई मिला नहीं। ये जड़ भरत जी बैठे थे, इनको कहा अरे, इन्होंने विचार किया ये बहुत मोटा आदमी, इसको ले लेते हैं, इसकी बलि चढ़ा देंगे, वो तो आदमी मिला नहीं। जड़ भरत जी को उठाया, कहा उठो, तो वो बोलते तो थे नहीं, उठ गए, चलो चलने लग गए। सर्वांतर्यामी परमात्मा की सब में विराजमान शक्ति को उन्होंने जान लिया था,
कि वही प्रेरणादायक है, वही आदेश देने वाला है और चल पड़े। वो उनमें भी उन्हीं शक्ति को अनुभव कर रहे थे जो सब में विराजमान है। वहां ले गए जहां देवी का मंदिर था और उन्हें बहुत अच्छा सुगंधित साबुन लगा के नहलाया। बहुत दिन से नहाए नहीं थे। चढ़वर जी नहाते भी नहीं थे और भोजन कभी जी मिल जाता तो कर लेते और नहीं मिलता तो नहीं करते। अभी कई दिनों से इनके भाइयों ने भोजन भी नहीं दिया था। अब इनको बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए, इत्र लगाया बहुत सुगंधित, और अब वो सोचने लगे कि अरे ये लोग कौन है, मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। और कहने लगे हे देवी इनकी रक्षा करना, इनको सुख पहुंचाना। मन ही मन में विचार करने लगे कि इन्होंने मुझे कितना सुंदर वस्त्र पहनाया है, कितना अच्छा नहलाया है, कितनी मेरी सेवा करी है। अब भोजन जिमाने लगे। जब भोजन जिमाने लगे तो भाई वहां इतने व्यंजन थे, क्योंकि राजा का सरदार का आदेश था डाकुओं का कि भाई जिमना, जो अपना व्यक्ति बलि चढ़ाना है उसके लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो अनेक प्रकार के व्यंजन उनके सामने रखे। भरत जी तो बहुत दिन से भूखे थे, विचार किया कि आज तो भोजन अच्छा मिला, ऐसा भोजन तो कभी मिलता नहीं और इनकी वैसे कामना कोई थी नहीं। हम लोग ब्याह में कोई नोगा हो जिमणे झले जाते हैं तो वहां कई लड्डू बनाए हो, गुलाब जामुन बनाए हो, जिम लेते हैं, है कि नहीं? जिमते कि नहीं जिमते? कौन कौन जिमते हाथ करोगे? सब जिमते। जिमणा हो और लड्डू बनाए हो रोज थोड़ी मिलते, खाओ। और अगर किसी दिन गुलाब जामुन मिल जाए तो, और आज तो गुलाब जामुन खाना, लड्डू नहीं एक तरफ रख दो, लड्डू नहीं खाने। और कोई प्रिय वस्तु मिल जाए अपनी, रसगुल्ले मिल जाए और अच्छी वस्तु मिल जाए तो, जो अपनी पसंद की वस्तु मिलेगी उसी को ज्यादा खाएंगे, चाहे भले ही वो किसी की मृत्यु पे बनाई हो, फिर भी चाव से जिमेंगे कि नहीं जिमेंगे? कितने लोग जिमते मृत्यु भोज को? कोई हाथ नहीं खड़ा करेंगे? हाथ खड़ा करो ना, फिर जिमो तो निर्भीक होकर के, ऊंचा करो, डरो क्यों? शाबाश, जिमना चाहिए ना। आप उस मृतात्मा का भला कर रहे हो जिम करके ना। वो कहीं इधर उधर पड़ी होगी तो बेचारी वो स्वर्ग में चली जाएगी और आपका नरक तैयार हो जाएगा। वो उसका भला कर रहे हो आप। कितने चाव से जिमते हम, अरे मर गयो वाह अब तो जिमना तैयार है, परंतु सोचो तो सही कि वो उस आत्मा का तो भला हो रहा पर आपका क्या होने वाला है ना। तो सोचो थोड़ी देर का सुख है। गुलाब जामुन मुख में रेवे जितने के स्वाद है, पेट में क्यों पति के स्वाद है कि है भाई? मुख में जावे जितने के स्वाद है, पचे कई स्वाद नहीं है। और देखे जितने के मन ललचावे अब खावा अब खावा, परंतु मुंह में गयो जितने के स्वाद रियो और एक पांच सेकंड के अंदर उस अंदर गयो और स्वाद खत्म, कोई स्वाद नहीं। वो कितनी बीमारियां साथ लावे जिसको पता ही नहीं है। वो थोड़ो सो सुख देवे, एक मुंह में रेवे जितो, या फिर पहली सुख मिले न खाओ जी का पहली थोड़ो वो मन ने, पर पचे कितनी बीमारियां आवे उन खाया पचे, क्योंकि शुगर भेजा, क्योंकि बीपी भेजा, क्योंकि मोटो शरीर भेजा, क्योंकि कितनी बीमारियां आ जावे, घुटना में दर्द भेजा, हार्ट की बीमारी, कितनी इतनी बीमारियां आ जावे। महाराज गुलाब जामुन खाबू थोड़ी आ गया, नहीं आवे? लड्डू खावा उन्हें आ गया, नहीं आवे? हाँ नहीं आवे। अगर आप उसमें गाय का घी डालते हो तो नहीं आएगी, पक्की बात। देसी गौ माता का घी यदि आप डालते हो तो कोई बीमारी नहीं आएगी, आप कितना ही खाओ। मैं निवेदन कर रहा हूं आपको, अगर उन व्यंजनों में आपको देसी गौ माता का घी डालते हो, ये गौ माता में तो देवियां सब विराजमान है, सब देवता विराजमान है, ऐसी गौ माता उसका घी यहाँ का अमृत है इस धरती का,
उसको आप पा रहे हो तो आप बीमार नहीं होगे, बाकी तो बीमार होना है पक्की बात है। समझो महाराज, आज ही माँ को जीवन छुड़ा दोगा तो फिर मैं दो दिन नहीं आऊंगा। आओ नहीं आओ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ। अगर बीमारी से बचना है, अगर सुखी होना है, नित्य हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटना है। कितनी भीड़ रेवे भाई, हॉस्पिटल में जाओ ना लाइन लागी उड़ी रेवे, पर्ची कटावा में, गोलियां लेवा में, हर जगह डॉक्टर के बटे जाओ तो पूरा दिन वे जावे। एक छोटी बीमारी को ले जाओ पूरे दिन वे जावे, पूरा दिन भजन करता परंतु पूरा दिन कौन बिगाड़ियो, जीवन बिगाड़ियो। क्यों? क्योंकि भाई ये जो भेस का ये है ना, उसमें तो मोटापा ही बढ़ेगा और केवल घुटनों का दर्द हो सकता है या हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, परंतु जर्सी का गाय तो अनेक तरह की बीमारियां करता है, अनेक तरह की बीमारियां करता है। जर्सी का गाय का घी ने आप गर्म मत करो और मक्खन ने यूं रख दो, दूसरे दिन तीसरे दिन तो उसमें कीड़े चलने लग जाएंगे। आप देखो कीड़े वो कहां से आ गया, अनेक बीमारियां करता है। और भाई जर्सी का ही छोड़ो, परंतु बाजार का घी है ना, वो तो आजकल दूध ही केमिकल का बन रहा है, केमिकल मिलाकर के, और केमिकल तो कितना जहर होता है, समझते हो। ये बात कहां से आ गई पता नहीं, हम कहां जा रहे थे, पर जो हित की बात है निवेदन कर रहे हैं, कम से कम कथा में तो आप व्रत ले लीजिए कि हम गाय के घी के सिवा दूसरा नहीं लेंगे। कथा कथा में 9 दिन के लिए तो ले लीजिए, कौन कौन ले सकते हैं 9 दिन के लिए दूसरा घी दूध नहीं खाना है, केवल गाय गो माता के सिवा। खाए पिए बिना रह नहीं सकते तो खाना पीना है ना, कोई बात नहीं, परंतु कथा जरूर सुनना, अपने जीवन का कल्याण तो होगा। बीमारियां नहीं मिटेगी तो जीवन का तो कल्याण होगा कम से कम। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि गौ माता की घी में अमृत माना गया है और सारी औषधियां विराजमान है, सब औषधियां। तो हम बात कर रहे थे भरत जी की, जड़ भरत जी की, और उनको व्यंजन जिमाने के लिए लगे इसलिए बात आ गई थी। तो जड़ भरत जी को जब व्यंजन जिमाया जा रहा था, यहाँ आपके अभी देसी गौ माता का घी आया है हवन में भी, और हो सके तो प्रसाद भी उसी में बनवाए आप, तो गौ माता का ही प्रसाद अपने यूज लेंगे तो हमारी बुद्धि में सात्विकता आएगी, आलस्य नहीं आएगा और कथा हम अत्य से सुन पाएंगे, इसमें मन अच्छा लगेगा। और ऐसे जड़ भरत जी को जब व्यंजन जिमाए जा रहे थे तो जिमते ही गए, तो बहुत दिन तक जिमा नहीं था, जिमते ही गए। अब इन डाकुओं ने देखा कि अरे ये खाते खाते मर नहीं जाए, हमारे बलि किसकी चढ़ाएंगे फिर, तो उनको रोका। जब रोका तो जड़ भरत जी ने देखा कि वाह न जिमा होता, इनकी मर्जी, जब तक परोसते गए जब तक जिमते गए, परंतु जब बंद किया तो बंद हो गए। उनकी कोई अपनी कामना नहीं थी, देखिए उन्होंने नहीं लाया, उन्होंने वस्त्र पहनाया, उन्होंने इत्र आदि लगाया, उन्होंने जीवन जिमाया। अब जीवन ने उन्हें मना किया तो रुक गए, उनकी कोई इच्छा नहीं कामना नहीं। अब जब बलि का दिन चढ़ाने का दिन आया और देवी काली माँ के सामने उनको ले जाना है तो रथ मंगाया, रथ में उनको चढ़ाया और रथ में चढ़ा करके वो सरदार भी साथ में बैठा डाकू का, दोनों तरफ डाकू जो है वो नाचते गाते जा रहे हैं और डाकुओं का जो सरदार है वो रथ में बैठा है और जड़ भरत जी भी रथ में बैठे हैं। उनके पंखा जड़ते जा रहे हैं दो लोग, हृदय से जड़ भरत जी इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, देखो आज तक मेरे जीवन में ऐसी सेवा किसी ने की नहीं, ये लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं। इनके प्रति भरत जी के मन में बड़ा अपार प्रेम है और जब देवी के सामने रथ गया, देवी माता के सामने जाके रथ को
रोका और कहा उतरो, चढ़ाया तो चढ़ गए, उतरने का तो उतर गए, चलो चलने लग गए, देवी माँ के सामने चले गए। और देवी माँ के सामने गए, इस सरदार डाकू ने हाथ में खड़ग ले लिया, तलवार ले ली है, म्यान में से निकाल ली है, और जड़ भरत जी को कहते हैं कि गर्दन झुकाओ। क्या कहा? जब अब तक सारी बातों का इन्होंने पालन किया तो इस बात का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? कहा खड़े हो जाओ, हो गए, चलने लगे। चलने की कहा तो स्नान कराए तो स्नान कर लिया, कपड़े पहनाए तो पहन लिए नए, भोजन कराए तो अच्छा भोजन जिम लिया, रथ में बिठाए तो बैठ गए, उतरने का तो उतर गए। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं। इसके बाद जब देवी के सामने जाके हाथ में तलवार निकाल ली है म्यान में से, और हाथ में तलवार निकाल करके खड़े डाकुओं का सरदार, और कह रहा है कि चलो देवी के सामने गर्दन झुकाओ, जड़ भरत जी ने जाके गर्दन झुका, गर्दन भी झुका दी, क्योंकि मरने का तो भय ही नहीं है उनके भीतर। गर्दन झुकाई और देवी मां ने देखा कि अरे मेरे भक्त को ये मार देंगे। देवी मां स्वयं उन समय हाथ में खड़ग लेके प्रकट हो गई, बोले जगदम्बे मात की, और प्रकट होकर के नाचने लगी। डाकू ने देखा अरे देवी मां प्रसन्न हो गई है हमारे ऊपर, परंतु ये देवी मां डाकुओं पे प्रसन्न नहीं हुई, डाकुओं पे क्रोध करके प्रकट हुई है कि मेरे भक्त को ही मारने वाले हैं। अभी मारा नहीं परंतु बलि चढ़ाने वाले थे, तो ये सोच करके ये देवी मां ने देखा मेरे भक्त की ये बलि चढ़ा दे ऐसा मुझे स्वीकार नहीं। और देवी मां ने देखते देखते सब डाकुओं को उन सबकी बलि चढ़ा दी। बलि किसकी चढ़ाने लाए थे? जड़ भरत जी की। परंतु बलि किसकी चढ़ गई? उन्हीं की जो चढ़ाने लाए थे। और देवी मां अपने भक्त के सामने नाचने लगी। देवी मां कहती आपकी मैं क्या सेवा करूं? जड़ भरत जी कहते मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, बस मना कर दिया। बोली देखिए जो निष्कामता से कथा सुनता ना वो जड़ भरत जी की तरह, तो देवी मां ने कुछ भी देने के लिए तैयार है देवी मां, परंतु फिर भी यहां जड़ भरत जी ने मना किया मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर आगे की कथा में राजा रघुगण को उपदेश देते हैं, पालकी में उनको जोते हैं, ये कथा आती है भागवत में। तो देवी मां की अगर भक्ति करते हैं आप, या उनकी कथा में अपन मन लगा करके श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, तो हमारी सारी मनोकामनाओं तो पूरी करती है, रक्षा करती है, सर्व प्रकार से हमारी रक्षा करती है। आप कहीं भी जाओ, जंगल में हो, शत्रुओं से गिरे हो, आग से गिरे हो, बड़े भयंकर कोई सामने अजगर या सर्प आ गया हो, कहीं भी आपको बचना हो तो देवी मां का स्मरण करें, वो जरूर आपकी रक्षा करती है, क्योंकि ये शक्ति है। और शक्ति अगर ना रहे तो बताइए क्या रहता है, क्या रहता है बताओ? शक्ति ना रहे तो क्या रहता है? हम सब रहेंगे, शक्ति नहीं रहेगी तो भी नहीं रहेगी, रहेंगे ना? शक्ति नहीं रहेंगी तो सब देवता रहेंगे, सब नारायण आदि सब रहेंगे, भगवान शिव रहेंगे, सब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, कोई नहीं रहेगा। शक्ति नहीं रहेगी तो कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनमें उनकी शक्ति है तभी वे सब है, बिना शक्ति के कोई नहीं है। नारायण की शक्ति कौन है? लक्ष्मी जी। शिव की शक्ति कौन है? पार्वती जी। और महादेव
भगवान ब्रह्मा जी की शक्ति कौन है? सरस्वती जी, शारदा मैया। तो सबकी शक्ति उनके साथ रहती है, बिना शक्ति के कोई भी नहीं है। अनुभव करें तो आप भी शक्ति है पुरुष की। शक्ति के बिना पुरुष अधूरा होता है, इसलिए आप अपनी शक्ति को विचार करें और शक्ति की आराधना करके और शक्ति जगाएं, भीतर में शक्ति उत्पन्न करें। इसलिए ये व्यास जी महाराज लिखते हैं, जिस समय सप्त श्लोकी दुर्गा, सप्त श्लोकी गीता, पंच श्लोकी गणेश पुराण, चतुश्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत और एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योग वासिष्ठ, सात श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत जिस समय रची जा रही थी, उसी समय अर्ध श्लोकी देवी भागवत भी लिखी गई है। और अर्ध श्लोकी देवी भागवत का जो प्राकट्य की कथा वेदव्यास जी लिखते हैं, कब अर्ध श्लोकी देवी भागवत प्रकट हुई? जब महाप्रलय में एक कारण के मध्य में वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे। ये अर्ध श्लोकी देवी भागवत कब प्रकट हुई इसके बारे में व्यास जी महाराज लिखते हैं कि समुद्र जब धरती पर आ जाता है, धरती समुद्र मग्न हो जाती, जल मग्न हो जाती। आपने एक भगवान कृष्ण का फोटो देखा क्या? ऐसा चित्र जो भगवान वट वृक्ष के पत्ते पे शयन कर रहे हैं और अपना पांव का अंगूठा मुंह में चूस रहे हैं।